जी बीबर शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं अॼु जॾहिं मां आगाज़ में तव्हांखे हिकिड़ी कहाणी त पहिरियों ॿुधाए चुकी आहियां त असां छा करण वारे आहियूं प्रोग्राम में, बट फाइनली टाइम अची चुको आहे त तव्हांखे ॿुधायो वञे त अॼोको प्रोग्राम स्पेशल कंहिं लाइ असांजे, छो जो अॼोके प्रोग्राम में तव्हांखे असां ॾेखारण वारा आहियूं ऐं सेखारण वारा आहियूं त मेकअप कीअं थींदो आहे ऐं ख़ासि करे अॼोके दौर में जेको हिनमहिल जेको ट्रेंड में टॉप आहे उहो कहिड़ो ट्रेंड आहे इन हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, छो जो मेकअप जा बि हाणे ट्रेंड्स आहिनि ऐं उहे सभई अवां ताईं पहुचाइण बि लाज़िम आहे, मीडिया जी ज़िमेदारी आहे। सो महिमाननि सां असांजी मुलाक़ात कराईंदासीं, उनखां पोइ बाक़ाइदा असां प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं। जेकॾहिं सभ खां पहिरियों मां मॉडल जी ॻाल्हि कयां त माशाल्लाह सां मॉडल मौजूदु आहे खुरम, अस्सलामु अलैकुम, जंहिंखे असां मतिलबु शेरवानी मां त मूंखे घोट लॻे पियो ॿुधाइण जी ज़रूरत नाहे, बहरहाल असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त घोट जो मेकअप कीअं करे सघिजे थो। उनखे अलावा ब्लू एरीज़ प्रोडक्शन जा CEO आहिनि शाहिद अली शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप इनका मेकअप कर रहे हैं आज और आप बताने वाले हैं कि आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट। उसके बाद फिर सैयद अरसलान साहब मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। एहतशाम साहब मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। और इस तरफ बख्तावर जी मौजूद हैं, अस्सलामु अलैकुम, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और आपका भी आज हम मेकअप करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने सोचा कि बिफ़ोर आफ्टर ज़रा दिखा देते हैं कि बाद में आप कितनी चेंज दिखने वाली हैं। अच्छा, इस तरफ मैं अगर जिक्र करूँ मेरे सीधे हाथ पर तो मेरी बहुत प्यारी मेकअप आर्टिस्ट सानिया मौजूद हैं, और तकरीबन सुबह सुबह जो मैं आपको इतनी खूबसूरत दिखती हूँ, एक तो इनका कमाल होता है, दूसरा लाजिम है कि कैमरा का कमाल होता है। तो खुश आमदीद कहूँगी आपको सानिया, खूब मज़े में हो, ठीक ठाक हो। और आपके साथ आपकी मॉडल मौजूद हैं सादिया, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आज आप इनको किस तरह तैयार करने वाली, लाइक ब्राइडल मेकअप करने वाली हो या पार्टी? पाकिस्तानी ब्राइडल एशियन मेकअप आप इनको दे रही हैं, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। और माशाल्लाह इनके फीचर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, आई नो तुम इसको बहुत प्यारा तैयार करने वाली हो। ठीक, चलिए, आपके पास वैसे काम इतने ज़्यादा हैं, आई नो ब्राइडल को इतने कम वक्त में 2-3 घंटे लग जाते हैं समटाइम्स, तो इतने कम टाइम में आपको 2 तैयार करनी है, तो मैं चाहूँगी कि आप मेकअप स्टार्ट करें और बाकी बातें फिर बातों का डिपार्टमेंट आज मैं इस्तेमाल, क्या ख्याल आपका? सो आप अपने काम को स्टार्ट कर सकती हैं। और इस तरफ ज़रा दूल्हे की भी बात हम करेंगे, दुल्हन की तो हमने बात की और ट्रेंड्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बताएँ कि दूल्हे का मेकअप एक्चुअली अब ये ट्रेंड चल पड़ा है। कई दफ़ा मुझे कॉल आती हैं कि जी शाही साहब दूल्हा तैयार करना है, तो शुरू में हम सुनते थे शॉक हो जाते थे यार दूल्हा तैयार करना है, लेकिन अब ये चल रहा है क्योंकि ज़ाहिर अब स्पेशल फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोस बन रही हैं, दूल्हे का भी हक बनता है खूबसूरत नज़र आने का। खूबसूरत तो है माशाल्लाह, लेकिन थोड़े फीचर ब्राइट करना, कंटूर करना, ताकि जो उनकी तस्वीरें हैं वो खूबसूरत नज़र आएँ और ज़्यादा, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती है, एक ही दफ़ा होती है, तो उसको फुल इन्जॉय कर लें। अच्छा, मैंने आजकल तो देखा है कि जैसा जोड़ा दुल्हन पहनती है उसी की बिल्कुल मैचिंग का दूल्हे भी पहन रहे हैं आजकल। खैर दुल्हने जो है वो सर पर दुपट्टा लेती हैं, एक बड़ी पहचान है उसकी, लेकिन दूल्हे भी दुपट्टा ले रहे हैं। पहले के ज़माने में स्ट्रॉलर लिया जाता था, तो ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं माशाल्लाह। और इन्होंने तो पगड़ी ली हुई है, तो पगड़ी आई थिंक पंजाबियों में ज़्यादा एक्चुअली बारात में कुल्हा ही पहना जाता है। अच्छा, बारात में, वली में नहीं पहना जाता, नहीं पहना जाता, तो ये समझ लें एक विरासत में मिलता हुआ आ रहा है कि इंडिया से जो हिजरत करके आए हैं और फिर वो इस तरह, बल्कि इवन के पंजाब में वो बड़ा वाला कुल्हा पहना जाता है जिसका पग खड़ा हुआ। हाँ, तो डिफरेंट जो जिस तरह का आप हैं, वो बलोचिस्तान में बलोची स्टाइल है, सिंध में सिंधी स्टाइल है। चलें, तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपने काम को स्टार्ट कीजिए ताकि थोड़ी देर के बाद हमें पता चले कि, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेट्स सी के मेकअप के बाद इनके फीचर्स कितने ज़्यादा इन्हेंस होते हैं और आप इनको किस तरह का लुक देते हैं। अब आपका काम स्टार्ट होता है, आपसे हम फिर बात करेंगे। अच्छा अरसलान साहब, हम आज चाह रहे हैं कि ज़रा शादी ब्याह पर बात करें, तो कुछ बताएँगे रस्में? रस्मों के बारे में तो मुझे पता नहीं कि अभी मेरी हुई नहीं है। अभी हुई नहीं, मतलब लड्डू अभी तक नहीं खाया आपने, तो कब खाने के इरादे भाई? अभी कुछ भी नहीं पता, अभी स्टडी चल रही है मेरी, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक, मतलब आप मुझे बताएंगे जब आप देखते हैं दूल्हा भी आजकल तैयार हो रहा है तो क्या फील होता है? फील नहीं होता है तो अब ज़माने के हिसाब से है ना, पहले नहीं तैयार होते थे, अब होते हैं, पहले फैशन का इतना ट्रेंड नहीं था, अब है। ठीक, अच्छा आप भी कार्बन ब्लू एरीज से बिलोंग करते प्रोडक्शन से, तो आप कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आजकल सर अंजाम दे रहे हैं? मैं बेसिकली ऑर्गेनाइजर हूँ, सी हूँ प्रोडक्शन का, ऑर्गेनाइजर, तो फैशन शो ऑर्गेनाइज करना है, शूट ऑर्गेनाइज करना है या ड्रामा कोऑर्डिनेशन करनी है, तो ये सब कुछ मैंने संभालना है। बाकी शाहिद भाई बैक पे बैठे हुए होते हैं, कोई भी मसला है शाहिद भाई संभालते हो, कोई मसला हो जाता है तो सही, बाकी मैं हूँ। मतलब सारे ऑर्डर्स आपको दिए जाते हैं और आप फिर उसके बाद उनको अमली जामा पहना के आप
प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को. राइट. अच्छा, हम चूँकि दुल्हन की बात कर रहे हैं और सानिया जी इस वक्त तैयार कर रही हैं ब्राइड को, सो सबसे पहले सानिया जी आप आई से स्टार्ट ले रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आई से स्टार्ट ले रही हूँ. ठीक. राइट. अच्छा, मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि वो आइज से ही स्टार्ट लेते हैं, कुछ होते हैं जो कि सबसे लास्ट में आइज बनाते हैं, वो लास्ट में लिक्विड यूज़ करते हैं. ठीक. ठीक. तो आप इनकी किस तरह की आइज बनाने वाली है, बिकॉज आजकल स्मोकी भी बहुत इन है और आजकल मैं देखा कि ब्राइड्स में बिल्कुल लाइट आई शेड्स चल रहे हैं, लाइनर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो रहा है, तो आप ठीक नहीं, आप इनको बिल्कुल लाइट देंगे, क्योंकि आजकल अगर पार्टी मेकअप की बात करें तो आजकल ब्राइड्स भी चाहती हैं कि वो बिल्कुल सिंपल हों. राइट. जब ये तो राइट. ठीक, चलें ऐसा करते हैं कि बातचीत को हम आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, बट वी वॉज टाइम आई ब्रेक जो सो ब्रेक ना वी ब्रेक आप जो वापस इंदासी तो बस गाल बोल खेते कंटिन्यू करनासी सो गाडिब नवन जो ॾिसंदा रहे जो सुबुह जी सुरहार.